मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई ब्लॉगिंग चैनल। दिस इज ब्लॉग चिरने की। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग। कैसे छे? एकदम मजा में। सरस छे ना यार। ये कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुद को नहीं पता। मे बी ये ना मराठी है, मे बी, पूरा श्योर नहीं हूँ मैं। मे बी मैं मराठी में बोल रहा हूँ। और अभी देखो यार, अभी उठा हूँ मैं, और आज ना मैं थोड़ा लेट उठा बिकॉज पिछले कल रात को मैं एडिटिंग कर रहा था तो थोड़ी लेट सोया, तो इसीलिए सुबह मेरी आँख जल्दी नहीं खुली। आज बताएं मैं कितने बजे उठा हूँ? आज मैं उठा हूँ 9 बजे। ओ भाई साहब, हद कर दी मैंने तो आज। अभी उठते हैं एंड चलते हैं यार, तैयार होते हैं कॉलेज के लिए, है ना। और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर मैं 9 बजे भी उठूँ तो, बिकॉज मेरी फर्स्ट क्लास होती है 10:40 पर, तो बहुत टाइम है मेरे पास अभी। एंड अभी चलते हैं, उठते हैं और खाना खुना खाते हैं और रेडी होते हैं। वन मोर थिंग फैमिली, आप सभी से एक राय चाहिए मुझे, ओपिनियन, कि मैं इन बालों को काटूँ या नहीं। अगर आप लोग कमेंट सेशन में बोलोगे तो वो करूँगा मैं, ओके। अगर आप बोलोगे काटो तो मैं इनको काट दूँगा, अगर आप बोलोगे मत काटो तो मैं नहीं काटूँगा। मेरे घर वाले तो कहते हैं कि बेकार में बहुत बेकार लग रहे हैं तेरे ऊपर ये बाल, तो काटते इनको। तो मुझे आप सभी की राय चाहिए, आप सभी ओपिनियन देना अपना अपना कि मैं बाल रखूँ या ना रखूँ, ओके गाइस। एंड वन मोर थिंग फैमिली, आज से डेली ब्लॉग्स फिर से स्टार्ट होने जा रहे हैं, और फिर से जुड़िएगा डेली डेली ब्लॉग्स। अपना ओपिनियन ज़रूर से देना, मैं इन बालों को रखूँ या ना रखूँ। अगर नहीं लिया तो देख लेना आप लोग, ओके गाइस। एंड अभी तो जस्ट उठते हैं और मेरे बाल ना यार सुबह सुबह बहुत हालत ख़राब हो जाती है, तो डोंट माइंड इट, ओके। एंड चलो अभी उठते हैं, होते हैं रेडी कॉलेज जाने के लिए, एंड देन उसके बाद आपको मिलेंगे सीधा, कहीं भी मिलेंगे जहाँ मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए ये, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली। अभी तो मैंने खाना खुना खा लिया है और अभी मुझे जाना है नहाने, तो अभी चलते हैं नहाने। और वन मोर थिंग फैमिली यार, मेरे रूम में ना ये वाली लीकेज आई डोंट नो कहाँ से हो रही है, पानी ही पानी हो रहा है यार, तो मुझे बार बार पानी को साफ करना पड़ रहा है। ये देखो यार, टू मच शिट। एंड यार मेरे कपड़े ना यहाँ पर है बाल्टी में, गीले कपड़े हैं, क्योंकि यार बाहर ना बिल्कुल भी जगह नहीं है कहीं पर भी धूप में रखने की। वो आज दूसरे रूममेट्स अपने कपड़े उठा लेंगे और मैं दोपहर को आकर अपने कपड़ों को बाहर धूप में रख लूँगा, है ना। तो इसीलिए मैंने इनको यहीं पर बाल्टी में ही रख दिया है। तो अभी चलते हैं वॉशरूम, एंड वॉशरूम में नहाते हैं, एंड उसके बाद होते हैं रेडी कॉलेज जाने के लिए, एंड देन उसके बाद चलेंगे कॉलेज। फिलहाल तो मैं हो चुका हूँ एकदम रेडी कॉलेज जाने के लिए, और अब आप लोग बाल देखिए और ओपिनियन देना ज़रूर से, कमेंट सेशन में मिलो, ओके गाइज। जो आपका ओपिनियन होगा मैं वही करूँगा। एंड अभी चलते हैं कॉलेज। अभी तो हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज में, कॉलेज हमारे ठीक सामने, और हमारे साथ यहाँ पर है मनमोहन, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, भूलना मत इसको। और अभी कॉलेज की एंट्री गेट में पहुँच गए और एंटर भी कर चुके हैं। चलो 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 चलो, ये देखिए हमें यहाँ पर आदि आदि बोल मिल चुकी है। निशान दिखा तुम्हें? अभी हमारे में कोई भी क्लास नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप देखने। धूप एकदम मस्त लगी हुई है, अपने बैठे हुए थे और हमें कुछ ये दिखाई दिया आगे, ये वाला घर बहुत पुराना घर, ये दिस वन। और यहाँ पर व्यू का तो पूछो ही मत, सच अ ब्यूटीफुल व्यू गाइस। रेड चली हुई है। अभी हमारी है हिस्ट्री क्लास और सारे के सारे जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास में, हम भी चलते हैं। क्लास ओवर नाउ, अभी चलते हैं क्लास से बाहर और क्लास से ख़त्म हो गई सारी की सारी। हाल तो हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ, हम चारों, मैं भी,
पुलिस। फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम में और अभी कपड़े करता हूं मैं चेंज, तो उसके बाद मिलेंगे आपको, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ेंगे एंड रात के लिए खाना भी बनाना है ना, और उसके बाद रात को खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। यही है आज का फैमिली। अभी मैंने कपड़े कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड अभी शाम के लिए खाना बनाते हैं पहले तो, उसके बाद पढ़ेंगे और खाना खुना खाएंगे। चलो लेट्स आई शो यू समथिंग। ओके लुक एट दिस या लुक एट द सनसेट। अभी आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज यहाँ पर ना वे पेड़ है बीच में, बट देख लो गोल्डन सन सनसेट से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। गोल्डन सन रियली प्रिटी, से तो और भी ज़्यादा प्रिटी दिखाई दे रहा है। सच अ प्रिटी सनसेट, इट्स लुक लाइक अ पैराडाइज। जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना वो मैं बयान नहीं कर सकता गाइस। आई कांट एक्सप्रेस यू माई फीलिंग। भाई भाई साहब कैमरे में उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि आंखों देखा दिखाई दे रहा है। भाई साहब प्रिटी यार, आज का ये सनसेट ना बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, बिकॉज आज का ये सनसेट इसीलिए गोल्डन कलर का लग रहा है बिकॉज यहाँ पर ना धुआं धुआं हो गया है। सो दैट्स वाई इट्स लुक लाइक अ गोल्डन सनसेट। बट यहाँ पर यार बीच में ये पेड़ आ गया तो आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा यार, मेरी आंखों से ना बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है ये, सच अ ब्यूटीफुल। फाइनली गाइज अब शाम के 5 बजे मुझे यहाँ पर मिल चुकी हैं कपड़ों को सुखाने के लिए। फाइनली गाइस शाम के 5 बजे मुझे मिली है यहाँ पर इन कपड़ों को रखने के लिए जगह, और अभी मैंने रख दिया इनको यहाँ पर सुखाने के लिए, तो ये कल दोपहर तक ये सूख जाएंगे। और मुझे यहाँ से अपनी टॉवल भी लेनी है, ये तो मैंने सुबह ही रखी हुई थी, और अभी मैंने कपड़े कपड़े रख दिए यहाँ पर टांग के और अभी सूख जाएंगे ये। दिल्ली मैंने खाना वाना खा लिया है और अभी ना मुझे यार बहुत नींद हो रही है, मतलब अभी टाइम हो चुका है मेरे सोने का एंड एडिटिंग मैंने आधा कर ली है, आधा बाकी है तो पहले मैं एडिटिंग करूँगा और उसके बाद मैं सो जाऊँगा। एंड मे बी आप सभी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ओपिनियन ज़रूर से देना। ओके गाइस एंड अभी मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। बाय बाय।